फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक अपना व्यू समझ लीजिए या थॉट समझ लीजिए या जो भी है, काफ़ी टाइम से मेरे मन में एक बात है, वो आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ और एक ये समझिए कि राय भी लेना चाहती हूँ फ्रेंड्स आपसे मैं, कि सेल्फिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो मेरे मन में जो आया वो मैं आपसे बताऊंगी कि मेरे ख्याल से हमें सेल्फिश होना चाहिए। जो मेरी मतलब मैंने जो देखा है और जो भी आसपास का भी और वैसे भी एक तरीके से जो पल हमारे जो पल होते हैं, हमारी ज़िंदगी के पल जो होते हैं, हम सारी मतलब इसी ऐसे ही निकाल देते हैं, जिम्मेदारियों में निकाल देते हैं या और भी चीज़ें हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी हम ऐसी कश्मकश में रहते हैं। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, और ये रिश्ता वो रिश्ता, फलाना ढिकाना, ये वो, मतलब बहुत कुछ चीज़ों में हम रहते हैं। तो क्या अगर हम अपने बारे में सोचें, दो पल के लिए भी अगर हम अपने बारे में सोचें, तो क्या हम बुरा करते हैं? क्यों ना हम अपने बारे में सोचें और क्यों ना हम सेल्फिश बने? तो हमें सेल्फिश होना चाहिए, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि हमें सेल्फिश होना चाहिए। अपने बारे में कुछ पल अपने लिए निकालने में या अपने बारे में सोचा हमने, तो क्या गलत सोचा? सब लोगों को लगता है कि उस बंदे ने मेरे लिए, मेरे को इस तरीके से बोला, मुझे इग्नोर किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, मुझे ऐसे नहीं किया, मुझे वैसे नहीं किया। तो हम उसको देने से पहले हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम उसको जो दे रहे हैं वो हमें वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम अपने बारे में सोचें? जो हम अपने बारे में सोचेंगे तो जो हम अपने लिए कर रहे हैं वो हमें ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो क्या हम गलत करते हैं अगर हमें सेल्फिश होना हम हो जाएं या हो, मतलब सोचें सेल्फिश होने के लिए, तो हम क्या गलत करते हैं? नहीं, मेरे पहले मैं भी गलत सोचती थी कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, पर जैसे 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 ज़िंदगी ने बदलाव लिया और जो जो मैंने देखा अपनी लाइफ में और आसपास के भी जैसे माहौल में, तो काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। और मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ्रेंड्स, हमें सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता तभी है जब हम हैं। अगर हम नहीं हैं तो कोई रिश्ता भी नहीं है। और भी कोई भी कुछ भी है, जो भी है, मतलब अगर हम हैं तो ही सब कुछ है ना। अगर हम ही नहीं है तो हमारे कौन से रिश्ते और कौन से क्या, कुछ भी नहीं है। और हमें कोई भी पूछने वाला नहीं है। अगर हम अपने को अहमियत नहीं देंगे तो कोई भी हमें नहीं पूछेगा। और अगर कोई पूछे या ना पूछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन होता है कि अपने को आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कितना, मतलब अपने आप को हम कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या कितने ज़्यादा हम लोग खुश हैं। अगर हम सेल्फिश नहीं हैं या हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उसे खुश करो, उसे खुश करो, ये करो, वो करो, तो हम किसी को भी हल तो हमारे जैसा नेचर किसी का नहीं होता। सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और कोई भी हम ये सोचें कि वो हमारे उससे खुश हो जाएगा, तो कोई खुश नहीं होता। किसी को भी हम खुश नहीं कर सकते और कोई भी खुश नहीं हो सकता। ये मैंने अपने मेरे एक्सपीरियंस में है रहा है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें सबको अपने अंदर समेटने की, पर कोई भी खुश नहीं होता। कोई भी रिश्ता हो, उसमें कोई भी रिश्ता लगाओ आप, तो कोई खुश नहीं होता। और हमें बाद में क्या मिलता है? एक निराशा मिलती है और वो निराशा हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो दोस्तों, क्या हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और सेल्फिश होने का मतलब है कि अपने लिए खुशी ढूंढना, अपने लिए करना, अपने लिए ही सोचना। और वो हम कोई अपने लिए अगर हम सोचते हैं तो कोई बुरा नहीं करते। तो सेल्फिश होना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। और शायद मैं तो इस राह पे चल पड़ी हूँ कि मैं सेल्फिश बनूँ,
मैं कोशिश कर रही हूँ। हाल मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है सेल्फिश होना, क्योंकि मेरे जब से मैंने होश संभाला है और आज तक मैंने सोचा ही है कि दूसरों के लिए, अपने लिए कभी नहीं सोचा, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। पर अपने लिए पहले सोचो और दूसरों के लिए बाद में सोचो, तो ही मुझे रिजल्ट यही मिला है कि हम तभी खुश रह सकते हैं। हम दूसरों को खुश करके खुश नहीं रह सकते। हाँ, मैं ये सोचती थी कि दूसरों को खुश करके अपने को खुशी मिलती है, पर ये एक गलत सोच थी मेरी शायद, और वो मुझे एक्सपीरियंस मिला भी है और शायद मेरा रिज़ल्ट अच्छा भी नहीं रहा उस चीज़ के लिए। तो अब मैंने सोचा कि एक बार सेल्फिश होकर भी देखूँ, अपने आप में ही जीकर और अपने आप में ही खुशी लेना सीखूँ, तो क्या मुझे क्या डिफरेंस मिलता है इस चीज़ में, कि सेल्फिश होना ज़्यादा अच्छा है या औरों की केयर करना, औरों को खुश करना, या ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। तो वो औरों को खुश करना और सब कुछ करके तो मैंने देख लिया, अब मैं खुद में सेल्फिश होकर देखना चाहती हूँ कि मैं कितना खुश रहती हूँ सेल्फिश होकर। और हर इंसान को हक है कि अपने में खुश रहना, और हमें एक बार ही ज़िंदगी मिलती है। एक कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और हर पल खुशी के, अगर हम ये नहीं है कि ज़िंदगी में दुख और सुख चार तरीके के वो आते हैं, कहते हैं ना पृथ्वी पे भी हमारे चार तरीके के मौसम आते हैं, पतझड़ भी आता है, बसंत भी आता है, और गर्मी और सर्दी भी आते हैं, तो वही तरीके से हम हर मौसम में ढल जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ज़िंदगी भी होती है, सुख और दुख दोनों चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है मिला जुला मेल होता है ज़िंदगी का। तो उसमें ये होना चाहिए कि हर तरीके से हमें निकलना है। और अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमें दूसरे के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और ना ही हमें ये होगा कि उसने हमें हर्ट किया, इसने हमें हर्ट किया, इसने ऐसे किया और इसने वैसे किया। क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, वो हम गलत करते हैं। अपने आप से उम्मीद रखना और अपने आप में ही खुश रहना, वो ज़्यादा बेटर रहता है हमारी ज़िंदगी में। और मेरे एक्सपीरियंस से तो शायद यही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो कि अगर हम अपने आप में ही खुश रहें तो ज़्यादा अच्छा, लोगों को ना खुश करके। क्योंकि लोग नहीं खुश हो सकते, क्योंकि ना तो लोग, हाँ, हर लोग हमारी तरह सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है और सोचने का तरीका अलग है, और हर चीज़ का ही हर इंसान का अलग है। अगर हम उस इंसान में अपने को खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए शायद हमें सेल्फिश होना चाहिए। और सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि हम समाज से टूट जाते हैं या सोसाइटी से टूट जाएंगे, या हम सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे, या हम सोशल नहीं हैं। सोशल रहो, पर एक यही है कि अपने बारे में पहले और दूसरों के बारे में बाद में। क्योंकि सेल्फिश होने का मीनिंग यही है कि अपने में खुश रहना। क्योंकि लोग अगर हमें हर्ट करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें हमें मुश्किलों में डाल देती हैं, बहुत चीज़ें हमें, कि कहीं हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं हम और, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती हैं, निराश हो जाते हैं, हराश हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं बंद होके कि वो बंदे ने, हमने उसके लिए इतना किया और उसने हमें क्या दिया। तो ये चीज़ें सब कुछ, अगर हम सेल्फिश होंगे तो हमें हर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि पहले हम अपने बारे में सोचेंगे तब दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरी तो यही राय है कि सेल्फिश होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा है, और खुश रहने का एक बहुत बड़ा तरीका है हमारा समाज में कि हम अच्छे से खुश रह पाएंगे। क्योंकि दूसरों के बारे में सोच सोच के वो, हम जो खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं वो शायद हमें नहीं मिल पाती, और हम सारी ज़िंदगी और सारे टाइम इसी कश्मकश में रहते हैं कि मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया पर इसने मुझे बदले में क्या दिया। तो वो एक उम्मीद हो जाती है और एक अच्छे होते हैं, और अपनी बॉडी को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट देते हैं। तो एक तरीके से मेरा नज़रिया और मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है कि सेल्फिश होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं यही टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ शायद आपको पसंद आए, और ना भी आए मुझे नहीं लगता, क्योंकि
दुनिया में हर तरीके का इंसान है, तो क्या पता किसी को पसंद आएगा और किसी को नहीं भी आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि सेल्फिश होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है आज के टाइम में है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने थिंकिंग किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सेल्फिश होना ज़रूरी है आज में, क्योंकि हम ऐसे खुश नहीं रह सकते। अगर हम सेल्फिश होंगे तभी हम खुश रह पाएंगे, अपनी खुशी हम अपने आप ही ढूंढेंगे तो ही मिलेगी ना, अगर कोई और तो हमें खुश नहीं कर सकता। और रिश्ते लगाओ, कोई भी रिश्ता लगाओ, कुछ भी, कोई भी रिश्ता लगाओ, जब तक हम खुश नहीं हैं तो वो रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते। वो रिश्ते भी तब तक हैं जब तक हम लोग हैं, अदर नहीं। हम हैं तो रिश्ता है। मानो मैं ही हूँ आज तो मुझे सब लोग पूछ रहे हैं, अगर मैं नहीं होंगी तो कौन सा रिश्ता मुझे याद करेगा, और कौन सा रिश्ता, कहाँ रिश्ते, कोई रिश्ते नहीं होते। जब तक हम हैं, जब तक हमारी इम्पोर्टेंस है, तब तक हमें लोग याद करेंगे, उसके बाद क्या रिश्ता। कोई रिश्ते नहीं, कोई भी कुछ नहीं, एक इंसान के तौर पर आए हैं, इंसान के तौर पर चले जाएंगे, बस इतना है। तो क्यों ना हम सेल्फिश होकर जिए, जिससे कि कम से कम कुछ पल तो हम खुशी के जिएंगे। हम ये तो सोचेंगे कि हमने औरों के बारे में ना सोच के, हमें गिल्ट फील तो नहीं होगा कि हमने औरों के बारे में अपने सोच सोच के अपनी ज़िंदगी निकाल दी और अपने बारे में हमने कभी नहीं सोचा। तो ये गिल्ट फील करने से पहले दोस्तों यही है कि सेल्फिश होना बहुत आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। मैंने यही सीखा है अपनी ज़िंदगी से, और शायद मेरी ये आपको लाइन पसंद आए या ना आए वो तो चलो ठीक है, जो भी है, पर प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या नज़रिया है कि होना चाहिए सेल्फिश या नहीं होना चाहिए, क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम देती हूँ, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, खुश रहिए, और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।